गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, आर यूनिवर्स। व्हेन वी लुक एट द स्काई वी सी डिफरेंट। अभी भी जब भी आप स्काई में देखते हो आपको बहुत सारी चीज़ें नेचुरल बॉडीज दिखाई देती है, जैसे कि सन है, स्टार्स हैं, ठीक है, और मून है और भी बहुत कुछ। तो द नेचुरल बॉडी, ये जो स्काई में जो नेचुरल बॉडीज होती है इन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज। ये हमारे यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। हमारा जो यूनिवर्स है बहुत ही ह्यूज स्पेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। द सेलेस्टियल बॉडी डेट वी सी आर जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द बॉडीज डेट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। जो हम सेलेस्टियल बॉडीज देखते हैं ये हमारे यूनिवर्स का बहुत ही एक स्मॉल फ्रैक्शन होता है। उसके अलावा भी जो है यूनिवर्स में बहुत कुछ है। वन ऑफ द रीज़न वाई वी डू नॉट सी मोर ऑफ दैम एज डेट डे आर वेरी फार। कुछ चीज़ें तो हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, तो जो चीज़ें हमारे आस पास पास रहती हैं हम उन्हीं को देख पाते हैं। टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस इन द यूनिवर्स, तो क्योंकि स्पेस का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लेंथी होता है, तो वहाँ को मेज़र करने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनाया है जो कि है लाइट ईयर। ये काफ़ी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इस यूनिट का यूज़ किया जाता है। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वन ईयर। तो लाइट ईयर क्या है, ये डिस्टेंस है जो कि वन ईयर में ट्रैवल की जाती है लाइट के थ्रू। लाइट ट्रैवल 9.46 trillion kilometers इन अ ईयर। लाइट जो है करीब 9.46 trillion जो है किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वन लाइट ईयर रिप्रेजेंट दिस ह्यूज डिस्टेंस, मतलब वन लाइट ईयर जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है मेजर करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी द स्टार क्लोजेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.2 लाइट ईयर फ्रॉम अस। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम के सबसे करीब है, ये करीब 4.2 लाइट ईयर ऐसे लगते हैं हम तक इसकी लाइट को आने में। दिस मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम द स्टार टेक्स, यानी कि इसकी जो लाइट है वो 4.2 ईयर्स लगाती है हम तक पहुंचने के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अ बिट मोर। यहाँ पे हम कुछ स्टार्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है किस तरीके से वो बना है। साइंटिस्ट बिलीव डैट द यूनिवर्स वॉज बॉर्न आफ्टर अ मैसिव एक्सप्लोजन कॉल्ड अ बिग बैंग। साइंटिस्ट मानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन सा हुआ था, विस्फोट सा हुआ था, जिसका नाम है बिग बैंग। उससे हमारा जो है यूनिवर्स बना हुआ है। काफ़ी समय पहले जो है द बिग बैंग स्टार्स लाइक आर सन फॉर्म। काफ़ी साल पहले जो है बिग बैंग के बाद जो है हमारा स्टार फॉर्म हुआ है, यानी कि सन। एट दैट टाइम, उस समय क्या था, द क्लाउड्स ऑफ द हॉट गैसेज एंड पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के आसपास जो है वो क्लाउड जो है गैसेज के वही रिवॉल्व करते रहते थे। जैसे जैसे आगे टाइम गया है तो पार्टिकल जो है वो आपस में स्टक हो गए और बड़ी बड़ी बॉडीज़ बन गए। दीज बॉडीज पुल्ड इन स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर दैम बाय ग्रेविटेशनल फोर्स।